GT5। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने अगले वीडियो में खेला था एक रेस, तो आज हम लोग उसी रेस जीता था। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं लॉस सैंटोस, और ये पायलट खास कर हम लोग के लिए स्पेशली बुलाएगा क्योंकि हम लोग जीते थे। वैसे गाइस जो है आप लोग मानो जो है नहीं, मगर ये रेस बहुत छोटी थी। और भाई आप लोग जरा एक बार यहाँ के व्यूज देखिए, कितने बड़े बड़े शिप भी आए हैं भाई यहाँ पर, ओ माई गॉड। तो चलिए जल्दी अभी ये पायलट हम लोग को सीधा लॉस सैंटोस, सीधा मैं ऐसे कह देता हूँ ट्रेवर के वहाँ पे उतारना। तो गाइस आ गया भाई, बहुत ख़राब तरीके की ड्राइविंग कर रहा था रास्ते पे, और यहाँ पे भी आराम तरीके भाई मुझे तो शायद से भाई, हाँ भाई आराम भाई इसकी पाए, ओ भाई भाई ये क्या हो रहा भाई, ओ भाई अपना कूद गया भाई, माइकल देखो भाई पीछे कितनी तेज उड़ के गिरा है। तो भाई मैंने इससे बोला तुम्हारी नौकरी भाई चली जाएगी, तो भाई रोने लगा। तो भाई मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ इस बार, वरना अगली बार तो इसे मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। इसमें माइकल की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो चलिए अपने रॉल्स रॉयस सीधा एयरपोर्ट पे आ चुकी होगी, तो यहाँ पे एक गाड़ी मेरे लिए खड़ी करवाई गई थी, तो सीधा इस गाड़ी को लेकर सीधा चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। वहाँ पे ट्रेवर की गाड़ी भी होगी और अपनी भी गाड़ी होगी, ट्रेवर की गाड़ी मतलब कि वो जो पीली पीली उस तरह एक ट्रेवर की भी थी। तो भाई मैं उसे अपनी गाड़ी नहीं, भाई मैं उसे ट्रेवर की गाड़ी बुलाता हूँ। चलिए सीधा यहाँ से ले कर निकलते हैं। तो भाई रास्ते में अभी मैं चल रहा था, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अभी भी वहाँ पे भाई जहाँ पर सॉरी भाई मैक्सिको में भी अभी हूँ। तो चलिए सीधा अभी यहाँ से निकलते हैं। तो अब भाई ये हाईवे भाई यहाँ पे भाई गाड़ियाँ उड़ियाँ लॉस सैंटोस की कितनी बढ़िया तो नहीं लगती। चलिए सीधा एयरपोर्ट पे हम लोग मिलते हैं। तो गाइस आज हम लोग पहुँचे हैं एयरपोर्ट पर, और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कार्गो खड़ा होगा। चल के देखते हैं कि वो कार्गो कहाँ पे है, कैसे है, किस तरह है। दूर में तो मुझे कार्गो दिख रहा है मगर उस ऐसे वो मिनी कार्गो। तो चलिए सीधा सीधा उसके पास चल के देखते हैं होता है क्या। तो गाइस हम लोग अब उस कार के पास आ गए हैं। यहाँ पे दो बॉडी गार्ड है, ये हमारी रही वाली रॉल्स रॉयस और ये रही गाड़ी अपनी। तो चलिए ये पीली वाली भाई ये रहा भाई, कितना बढ़िया लग रहा है प्लेन ना। तो ये भाई तो चले सीधा अपनी ये गाड़ी ले कर यहाँ से निकलते हैं। भाई इस गाड़ी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई भाई, इन लोग से भाई पीछे तो पूरा भाई वही गए भाई, इन लोग से मैं अभी बात करती हूँ भाई मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा भाई, मन का ही ठोक डालते हैं उनसे बात करते हैं सीधा चल कर भाई। तो भाई तू साले के भी गाड़ी उड़ी भाई, मतलब कि देखा है भाई, मतलब भाई ये महाशय जी इतने बढ़िया प्यारे, क्या इन्होंने कभी गाड़ी को देखा है भाई, इन्होंने मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है। तो अभी मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो कह रहा है कि ये जो भाई ये गलती से हो गया है, प्लेन को जब हम लोग उतार रहे हैं तो दिक्कत हुई थी तो भाई, मगर फिर भी मुझे भाई बहुत भाई ये क्या भाई पीछे कितनी तगड़ी तगड़ी गाड़ी भाई, लगता है अपने सिक्योरिटी, ओ भाई ये तो ट्रेवर जो हम लोग बचाया था तो उसी लिए आया है हम लोग को थैंक्स बोलने। अब तो भाई इसके पास सिक्योरिटी भी है भाई। तो भाई मैं ट्रेवर से भाई बात कर रहा था, मुझे पता चला ये कह रहा है कि भाई ये मेरी गाड़ी है। तो भाई मैं इसे कितना समझा रहा हूँ ये मेरी गाड़ी है मेरी गाड़ी, मगर ये फिर भी नहीं मान रहा है। तो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तो मैं अकेली हूँ भाई, ट्रेवर भाई मान जाए मेरी गाड़ी है भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, इसकी यहाँ पर सिक्योरिटी भाई है। ओ भाई भाई इसने मुझे स्टन गन भी मार दिया है भाई, और भाई बॉडीगार्ड कहाँ भाग रहा भाई, ये बॉडीगार्ड लोग भाई मेरी सिक्योरिटी भाई मार दिया भाई इसने बॉडीगार्ड को भी, भाई इसने मुझे स्टन गन भी और भाई गोली भी मुझे मार रहा भाई स्टन गन मारने के बाद। और भाई ये क्यों भाई, मुझे लगता है ये मेरी गाड़ी को ब्लास्ट कर देगा भाई, मत कर भाई मत कर यार। तो भाई ये सब ये डाल के यहाँ से जा रहा है टेबल, भाई इसका बदला भाई मैंने तुझे छोड़ा, तू इतना भी नहीं कर सकता मेरे लिए, जा भाई इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ओ भाई इसने ब्लास्ट भी कर दिया, ठीक है ट्रिबर ठीक है देख लूँगा। तो चलिए गाइड ट्रिबर अब यहाँ चला गया, अब थोड़ी देर बाद मुझे भी होश आ ही जाएगी। तो गाइड मुझे होश आ गया है, बोलता हूँ भाई ये मेरी गाड़ी को भाई ब्लास्ट कर दिया भाई, मैं चलने की हालत नहीं हूँ भाई, मुझे यहाँ सीधा घर जाना होगा। भाई देखिए कार्गो प्लेन है, तो मुझे उसने स्टन गन मारा गोली मारी, फिर ऊपर से जो ब्लास्ट हुआ इसका इफेक्ट भी मुझे पड़ा है। क्या कर सकते हैं भाई, इसने मेरी गाड़ी भाई देखते हैं कि ये रिपेयर हो पाएगी वाली गाड़ी की नहीं, मगर फिलहाल तो मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा सीधा। तो चलिए सीधा निकलते हैं, उन्हें भी तुम्हें कहने वाला था, चलिए गए सीधा इस गाड़ी में बैठ कर निकलते हैं, मगर ये गाड़ी नहीं रही भाई जी, भाई मेरे फेवरेट गाड़ी भाई, इससे मैंने उस रॉल्स रॉयस को जीता भाई, भाई उस रॉल्स रॉयस इतनी महंगी गाड़ी जीतने वाली आज यही गाड़ी नहीं रही।
तो चलिए देखते हैं यहाँ आसपास कोई गाड़ी होगी तो उसी को सीधा यहाँ से लेके हम लोग निकल जाएंगे। तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो गाइस आज हम लोग अब सीधा पहुँच चुके हैं अपने घर पर। तो गाइस मेरे रास्ते में फ़ोन आया कि फ्रैंकलिन जो है भाई वो कहीं से एस्केप कर गए, यानी FBI वाले मुझे फ़ोन किए थे। और भाई आपको पता है कि फ्रैंकलिन जो है यहाँ का प्रेसिडेंट बन गए भाई। वो यहाँ से निकलने के बाद अपना कुछ भी भाई कुछ ऐसा लगता है यहाँ के प्रेसिडेंट को जो है थोड़ा धमका उमका कर, क्योंकि प्रेसिडेंट हम लोग के कब्जे में था तो उसी को धमका कर ऐसा करा होगा। तो पहले तो भाई मुझे एक जूस पीना है, थोड़ी सी एनर्जी लाएं, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। भाई कितना दर्द हो रहा है भाई माइकल को, ये देखिए भाई आज वो लेस्टर की तरह उसको चलना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्रैंकलिन पीछे आया, वो हम लोग से माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है भाई मुझे छोड़ दो। तो गाइस ये रहा हम लोग का फ्रैंकलिन। तो गाइस कह रहा भाई मुझे छोड़ दो भाई प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने उसको माफ़ कर ही दिया जाए। तो गाइस मैंने इससे कहा कि भाई जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, मगर मेरा उतना मन तो नहीं था, मगर मैंने फिर भी इसको माफ़ी कर दिया। तो चलिए इससे फ्रैंकलिन को मतलब कि इसको ट्रेवर के बारे में बताते हैं कि ट्रेवर ने कैसा कैसा किया है। तो चलिए गाइस इसको ट्रेवर के बारे में बताते। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।